अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये देखिए हमारे शौकीन भाई, इनकी उम्र देखिए, इनका शौक देखिए, इनके हाथ में लकड़ी देखिए, इनके हाथ में टिफिन देखिए आप, इनका झोला देखिए आप। ये होता भाई बकरियों की मेहनत। अब सब चीज़ हम इनसे ही पूछते हैं, जो मेरे को पसंद आया मैं आपको बता दिया। आपका नाम क्या है? हुसैन अहमद। हुसैन अहमद। और हुसैन अहमद कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। हाँ 14 साल है। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? 3-4 साल से। 3-4 साल से। आपके वालिद साहब भी यही काम करते थे? हाँ लगभग यही काम करते। और आपके दादा? हाँ वो यही काम करते। अच्छा आपकी उम्र क्या बोले आप? 14 साल। आप सुनो भाई, ये इनकी उम्र है 14 साल, ठीक है? तो अब और बातें पूछना है मुझे उसके बाद। ये बकरियों का काम कैसा लगता है बेटा तेरे को? काम बस अच्छा ही लगता है। हाँ अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, मैं गांव में आया किसानों के घरों पे, लोगों को एक अच्छी चीज़ दिलवाए, अच्छी ब्रीड लाइन लोग घरों में पाले, अच्छी नस्लें रखे, तो यहाँ पर बकरियाँ किस लिए महंगी है ये बतवा सकता है तो तू? कोई तजुर्बा है महंगी किस लिए है यहाँ पर? यहाँ पर वैसे तो महंगी नहीं है सिटियों की तरह तो, हाँ लेकिन माल अच्छा मिलता है इसलिए महंगी है। हाँ ये बात है, माल ये चुन चुनवा के अच्छी अच्छी चीज़ें रखे उसलिए महंगी मिलती है, आप समझ जाओ। और मैं एक तरफ से बोलता हूँ भाई महंगी की भी, भाई ये लोग यकीन करो इनका सहारा बकरियों का ही है भाई। ये बच्चा चाहो तो पढ़ भी सकता, अपनी सिटी की तरह हो तो इंजीनियर बन सकता, ऑफिसर बन सकता, मगर ये उम्र में इसको क्या ज़रूरत है? एक लकड़ी ले निकला है और टिफिन का डब्बा, एक पानी का बॉटल ले कर निकला है, ठीक है? तो ये लोग मेहनतें करते हैं, मेहनतें करके अपनी रोजी रोटी सारी बकरियों पे है। तो आजा मेरे साथ में आजा बेटा, क्यों शर्मा रहा? तो इनकी मेहनतें इनकी सब बकरियों की है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, जो है ये मट्टी दिखाई है हमारे इमरान भाई, ये है जो किस यहाँ पर फसल उगती है, और भाई की जो मेहनतें हैं ये बकरियाँ हैं। ये बकरियाँ दिखाई है इनका शौक जो शर्मा ने निकले। देखिए ये इनकी मेहनत है, ठीक है? तो उस वजह से ये लोग भी कुछ आस लगा बैठते हैं, भाई बकरियां हम कुछ बेचेंगे तो हमको अच्छी रकम मिल जाए तो हमारा कुछ उसमें हो जाए, तो उस वजह से अपन ने पूछ लिए। तो अभी फिलहाल आप कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर आपका गांव का नाम बताओ। सिंधी नगर में। सिंधी नगर। हाँ ये डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कापड़ा। कापड़ा, ठीक है, बड़ी बढ़िया खूब। और आपके दादा कहाँ, आपके दादा कहाँ के? हमारे दादा यहीं के, यहीं सिंधी नगर के। सिंधी नगर के। अरे आप कुछ बता रहे थे हमारे कोई है हैदराबाद में मुझे देखकर? नाने रहा है हमारा। नाने हैं आपके? नाना है आपके हैदराबाद में? हैदराबाद में कहाँ पर रहते हैं आपके नाना? जू पार्क के पास। जू पार्क में रहते हैं। चलो माशाल्लाह भाई, पूछ के अच्छा लगा। नाम तो खुशी हुई जी। आप इनके मामा का नाम? इनका मामा का नाम, अच्छा हाँ, जो आपके मामा रहते बोले ना हैदराबाद में, क्या नाम है उनका? उबैद है। उबैद भाई कहाँ पर? जू के पास। जू जहाँ? नहीं जू से थोड़ा दूर रहते हैं वो। अच्छा हाँ वही जू के इलाके में ना, वो सिटी में जहाँ जू है हमारे हैदराबाद में। ठीक है क्या? चलो काम, भाई काम पूछ लो उनका। खुशी हुई भाई हमारे को सुनकर, इनके शौक को देखकर, इनके बकरियों को देख के, इनके चरवाने को देख के। चलो ठीक है, जिसी भाई को भाई बकरियाँ चाहिए मुझे कॉन्टेक्ट करे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है मैं बता दूंगा 7036565000। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज छोड़ दे अपना नाम लिखकर तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी किसान भाई के अच्छी क्वालिटी के बकरियां हैं मैं वो ग्रुपों में लगाऊंगा, आप परचेसिंग कर सकते हो, मैं ट्रांसपोर्ट करवा के दे दूंगा। तो अपनी गाड़ी निकलेगी हनुमानगढ़ से, पीपाड़ आएगी, पीपाड़ से हैदराबाद आएगी, इस बीच की रूट है, शोलापुर रूट से आएगी। इस बीच की रूट के किसी भाई किसान से भी खरीद ले रखे ये बकरियां तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते, मैं आपके जानवर पहुँचा दूंगा आपके जगह पर। अभी टोटली कुर्बानी पर काम चल रहा है, अगर बकरियाँ भी चाहते तो अपने से ले सकते हैं, ठीक है? तो बस इतना ही था, बस भाई के शौक बताना था, बस कुछ नहीं। और एक बार बोल देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर 7036565000 और मेरा कॉलिंग नंबर है 7036565000। और हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेगा बेटा? तो ये लोग तेरे को सारी दुनिया देख रही है यहाँ से, ठीक है? तो ये लोग का बकरिया देखने वालों का शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह।